मोहतरम असाजा कराम और मेरे प्यारे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। और जिस मौजू में मुझे लफ्तशाही करने का मौका दिया गया है, दरअसल वो मुझसे एक सवाल किया गया है, क्या हम आजाद हैं? पेश करता करारदाद, हम आजाद हैं। हमसे मुराद पाकिस्तान में रहने वाला हर जीता जाता सांस लेता एक एक इंसान। आजाद से मुराद बेखौफ, लेकिन हमारे समय पर तो हर वक्त खौफ की तलवारें मंडराती हैं। आजाद से मुराद किसी के ताबे ना होना, लेकिन हम तो आज उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबे, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेहिस्स बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। अगर भरी अवाम में बैठा कोई भी शख्स मुझसे उन्हें ये कह दे हाँ जितनी आजादी हमें मिली है उतनी ही काफी है, तो आज से मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। और जनाब आली, ये किस आजादी की बात करते हैं जिस मुल्क के वाटर कूलर से लड़के में ग्लास को भी जंजीरों में झड़क के रखा जाए तो उस मुल्क में इंसान खाक आजाद होगा। जनाब आली, जिस आजादी की ये बात करते हैं, जिन हरी झंडियों की ये बात करते हैं, जब कल यही हरी झंडियां हमारे पैर तले रोड़ी जाएंगी और इन्हें उठाने वाला कोई ना होगा, तो फिर मैं इनसे पूछूंगा अरे कौन सी आजादी कि जब कश्मीर में हमारे भाइयों को मार मार के उनका बुखार निकाला जा रहा था और हम यहाँ भारतीय मूवी पठान को पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन फिल्म बनाने में मसरूफ थे, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आजाद हैं? और जनाब आली, हमारे नौजवानों के लिए आजाद